और आखिर में चलें एक बहुत ही खूबसूरत फूल की तरफ, यू कैन प्रॉब्ली कॉल इट फूलों की शहजादी। बिल्कुल, द ऑर्किड्स। द ऑर्किड्स एक बहुत ही हसीन फूल, और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं ऑर्किड की फैमिली में। सरोय ईरानी वॉज़ वेरी काइंड, उन्होंने हमें बहुत वक्त दिया, अपनी जगह दिखाई, हमें बुलाया वहाँ पे, और उनसे उनकी ट्रांसप्लांटिंग और उनकी देखभाल वगैरह उन्होंने हमें दिखाई। तो चलें उसको देखते हैं। ये इन्होंने कोकोनट हस्क का छिलका जो है नारियल का, इसके पीसेस काटते हैं, वेजेस छोटे छोटे इस तरह, और इन्होंने ये एक प्लांट को, एक जो प्लांट है छोटा कीकी इनको कहते हैं, जो बेबी प्लांट है, इसको इन्होंने दो कोकोनट के पीसेस के बीच में इस तरह पैक करके और फिर उसके ऊपर रबर बैंड बांध दिया है। तो जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, व्हेन इट्स अ लिटिल बिगर, तो फिर इसको इस गमले में लगा देते हैं, वो भी अभी सरोय हमें बताएंगे। ये कोकोनट के बड़े पीसेस में उसी तरह जैसे छोटा हमने बांधा था उस तरह उसको वो सैंडविच कर रहे हैं। और जो पुराना जो छोटा लगा हुआ था वो अंदर ही बंद हो जाता है, उसको निकाला नहीं जाता है। छोटा प्लांट इन्होंने कीकी जिसको कहते हैं कोकोनट हस्क में, और कोकोनट हस्क में रैप करके इसको गमले में इन्होंने फंसा दिया है, और अब इसको इस तरह पानी दिया जाएगा। एक स्लाइटली ओल्डर है ये, आपने कितने दिन पहले किया था? 3 वीक्स पहले। ये 3 हफ्ते पहले इन्होंने प्लांट किया था, इसकी शूट्स निकलने लग जाती हैं और कुछ ही अरसे में ये प्लांट बड़ा होते होते इस साइज तक आ जाता है। जब वो फूल दे जाता है तो वक्त आ गया है उसको इससे बड़े गमले में ट्रांसफर करने का। ये सरोय ने अभी आपके सामने इसे छोटे गमले से, जो इस साइज का गमला था, उससे इस प्लांट को इस बड़े गमले में ट्रांसफर करके दिया है। आपने फिर देखा कि इसमें, मैं आपको ये बार बार याद दिला रहा हूँ, इसमें मिट्टी नहीं इस्तेमाल होती है, ये सिर्फ कोकोनट हस्क में पैक किए हुए हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ये कोयले में बनाते हैं और वो उसमें सिर्फ कोयला इस्तेमाल करते हैं, ये दो मीडियम्स को मिक्स नहीं करते हैं। आप अपने आप